हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या परिमेय संख्या का प्रॉपर्टीज हो सकता है, क्या क्या गुणधर्म हो सकता है, वो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग सर्वप्रथम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे योग, यानी कि जोड़ एवं व्युकलन यानी कि घटाओ। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग परिमेय संख्याओं के योग, परिमेय संख्याओं के योग एवं व्युकलन। ठीक है, परिमेय संख्याओं के योग एवं व्युकलन के गुण या गुणधर्म, आप इतना भी लिख सकते हैं, गुणधर्म भी लिख सकते हैं। तो आगे की बात हम लोग करते हैं। आइए, तो सबसे पहला जो गुण है वो है समवृत्त का गुण। क्या है? समवृत्त या संवृत्त भी आप इसको कह सकते हैं, समवृत्त गुण। ये होता क्या है, इस बात को हम लोग सर्वप्रथम समझेंगे कि समवृत्त गुण कहते किसको है, उसके बाद आगे की कहानी भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दो संख्याओं के बीच में आप जैसे मान लीजिए कि ये एक पूर्णांक है और दो और तीन दोनों का दोनों हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर इसका हम लोग सम करते हैं तो क्या होता है, दो प्लस तीन करेंगे तो पाँच आएगा, और ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक ही है। तो अगर दो संख्याओं का संक्रिया, ठीक है, दो संख्याओं का संक्रिया करने के बाद भी उसी ग्रुप में रह जाता है, जिस ग्रुप में वो रहता है, जिस समूह का वो रहता है, तो बोलेंगे कि वो योग के अंतर्गत क्या है, समवृत्त है। संख्याओं पर होने वाली संक्रिया से प्राप्त संख्या भी उसी समूह में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि समवृत्त है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। दो संख्याओं पर होने वाले कहलाता है। ठीक है, क्या लिख दिए हमने कहा कि दो संख्याओं पर होने वाले संक्रिया से प्राप्त संख्या का भी उसी समूह में होना ही समवृत्त कहलाता है। जैसे कि उदाहरण का भी हम लोगों ने चर्चा किया था, उदाहरण। तो उदाहरण में हम लोग बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं 4 और एक उदाहरण लेते हैं 5। ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा है पूर्णांक। कुछ भी पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक। ये परिमेय संख्या में अभी हम लोग लागू करने वाले हैं। यहाँ पर संक्रिया का बात किए हैं तो आप जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो संक्रिया यहाँ पर हम लोग योग के लिए स्पेशली डेफिनेशन नहीं लिखा है हमने सभी के लिए कॉमनली लिखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर संक्रिया लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 4 और 5 भी 9 है, जो एक हमारा पूर्णांक ही है। तो अगर दो संख्याओं पर होने वाली संक्रिया, जोड़ घटाओ गुणा भाग आप कुछ भी कीजिए, करने के बाद भी अगर संख्या उसी समूह में होता है, उसी समूह में अगर रहता है, जैसे ये पूर्णांक था, पूर्णांक ही रह गया, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे समवृत्त। ठीक है, समवृत्त गुण इसी को हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए हम आपको बताते हैं, कन्फ्यूजन ना करें इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 इसको हम लोग घटा रहे हैं, 1 हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, और 2 भी हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि प्राकृत संख्या व्युकलन यानी कि घटाव के अंतर्गत समवृत्त नहीं होते हैं। ये समवृत्त होता है, पूर्णांक है, जोड़ दिए तो भी पूर्णांक ही रह गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कि योग के अंतर्गत पूर्णांक जो है वो समवृत्त होते हैं। बात करते हैं इसका योग का। तो देखिए, अगर इसको हम लोग योग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो जाएगा, और फिर ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या जो है वो योग के अंतर्गत समवृत्त गुण को फॉलो करता है, पालन करता है, लेकिन व्युत्कलन के आधार पर, व्युत्कलन के अंतर्गत वो
समृद्ध गुण का पालन नहीं करता है। उम्मीद है कि आपको समृद्ध का मतलब समझ में आ क्या होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या, हम लोग पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या का, ठीक है। तो आप उदाहरण में यहाँ एक आप लिख लीजिएगा 3 + 4 = 7। अगर इसको, इन दोनों को अगर हम लोग पूर्णांक कहें, उदाहरण आप ये लिख लीजिएगा, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत समवृत्त, समवृत्त है, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे, ये उदाहरण के लिए। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के योग का समवृत्त, ठीक है, परिमेय संख्या का योग का समवृत्त। तो आइए उस बात को हम लोग अब देखते हैं। ये पहला था हमारा समवृत्त गुण, ठीक है। तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं, आप सब हेडिंग या फिर ए नंबर लिखिए, ए नंबर लिखिए, लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत समवृत्त, समवृत्त गुण, ठीक, योग के अंतर्गत क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। ताइए पहले हम लोग एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे 3/2 + 5/2, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 का टेबल में 2 एक बार में, तो 3 बन जा 3, ठीक है, उसके बाद 2 बन जा 2, तो 5 बन जा 5। यहाँ पर क्या हुआ, 3 और 5 8 आ गया, और ये क्या आ गया, नीचे में है 2, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो देखिए ये दोनों हमारा क्या था, परिमेय संख्या था, क्या था, परिमेय संख्या, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, परिमेय संख्या। और जो आया है वो भी क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि अगर दो परिमेय संख्या को हम लोग जोड़े उसके बाद भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या जो होता है वो योग के अंतर्गत समवृत्त होते हैं। परिमेय संख्याएं जो होते हैं वो योग के अंतर्गत क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं। तो आइए उस बात को हम लोग लिखते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत, ठीक है, योग के अंतर्गत, अंतर्गत समवृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं। अगर हम लोग दो परिमेय संख्या को जोड़ दें तो एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, अर्थात 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 क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं a/b तथा c/d के लिए a + b/c/d भी क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा, ठीक है। यानी कि दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को हम लोग a/b मान लिया तथा दो दूसरा परिमेय संख्या को हम लोगों ने c/d मान लिया, तो उन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो यहाँ से ये जो सम प्राप्त होगा, योग फल जो प्राप्त होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या जो होता है वो योग के अंतर्गत क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं। उदाहरण का बात करें, उदाहरण, तो उदाहरण आइए हम लोग देख लेते हैं, एक उदाहरण बढ़िया सा प्यारा सा हम लोग ले लेते हैं, 3/7 + थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं 3, और इसको हम लोग लेते हैं 6/5, ठीक है। आइए उसका हम लोग देखते हैं, इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा लघुत्तम। अब 3 का टेबल में 15 कितना बार में, 5 बार में, ऊपर में कितना है 3, तब उसको गुना कर देंगे। 5 का पहाड़ा 15 कितना बार में, 3 बार में, ऊपर कितना है 6, तो गुना कर देंगे। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ाते हैं, 5 + 15 और इधर 6 + 18, इसको आप जोड़िएगा 15 और 18 का, तो 15 + 15 = 30 और 3 = 33 कितना हो जाएगा, 15 + 15 = 30 16 + 17 = 18 33 हो जाएगा, ये 33/15। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या ही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों हमारा परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, परिमेय संख्या है। और ये भी हमारा क्या आया, परिमेय आया, परिमेय
संख्या ही आया, तो परिमेय संख्या को जोड़ने से एक परिमेय संख्या ही मिलता है, तो कहेंगे कि ये योग के अंतर्गत क्या है, समवृत्त है। व्युत्क्रम के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, इसका बी नंबर हम लोग बात करें तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम के अंतर्गत, ठीक है, व्युत्क्रम के अंतर्गत समवृत्त गुण। आइए इसको हम लोग देखते हैं घटा के, इसी उदाहरण को हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, ये इजी हो जाएगा एक ही वीडियो एक ही साथ पढ़ने से, क्या हो जाएगा, अब देखिए ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3/15, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको पता होगा कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू का मान सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस कुछ भी चलेगा, यानी कि ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, इस दोनों को घटा दिए तो भी परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या जो है वो व्युत्क्रम के अंतर्गत भी क्या है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के अंतर्गत भी क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं, अर्थात दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं ए बी बटा सी डी के लिए ए बी माइनस सी डी भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो आप इसको उदाहरण के रूप में आप यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमेय गुण, ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।